विपक्ष को कोई भी अच्छा काम अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है आने वाले 50-100 साल को देख करके केंद्र की सरकार ने मोदी जी ने बहुत सोच समझ के नई संसद बराबर बनाया है होने वाला है और सबको विधान से सम्मान पूर्वक सबको आमंत्रण दिया है। अब आमंत्रण देने वाले साक्षी महाराज नहीं है, मोदी जी नहीं है, आमंत्रण देने वाले लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो लोकसभा के मालिक होते हैं और उनके ही आदेश पर प्रधानमंत्री भी लोकसभा में उठते बैठते। अगर प्रधानमंत्री से भी लोकसभा अध्यक्ष कहेगा बैठिए तो बैठेंगे, खड़े हो जाइए तो खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का मालिक होता है। इसका मतलब लोकसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को निमंत्रण ना देकर क्या गलती कर दी है? नहीं, प्रश्न आपका बिल्कुल टेढ़ा है, बहुत गलत है और बेहुदा प्रश्न है। निमंत्रण सबको है, उद्घाटन किससे कराएंगे ये उनके विवेक निर्भर करता है। तो आपका जो प्रश्न है बहुत गलत है। वो मालिक है, वो किससे उद्घाटन करा, किस छोटे आदमी से भी करा सकते हैं। ये लोकसभा अध्यक्ष का अपना विवेक है कि वहां प्रधानमंत्री बैठा है, गृह मंत्री बैठा है, एमपी बैठा है, किसी छोटे को खड़ा कर देंगे बोलने के लिए, ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। संसद भवन लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से इशारे पर चलता है। तो लोकसभा अध्यक्ष संसद भवन का उद्घाटन है तो किससे कराएंगे ये अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का है, साक्षी महाराज का नहीं है और पत्रकारों का नहीं है, किसी व्यक्ति का भी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनने से इनकार कर दिया। महाराज जी, आप भी संसद के जो है सदस्य हैं, आप विपक्ष के नेताओं से क्या कहना चाहेंगे नए संसद भवन के? देखिए, मैं बहुत शालीनता से विपक्ष के नेताओं से कहना चाहूंगा, मेरा भी राजनीतिक जीवन बहुत लंबा हो गया, मैं 6 बार से लगातार सांसद हूँ। सत्य को स्वीकार करना चाहिए, अच्छे काम की प्रशंसा करनी चाहिए, कोई गलत काम हो उसका विरोध करना चाहिए, डट के विरोध करना चाहिए। लेकिन जो अच्छा काम है, आप अच्छा काम कर नहीं सकते, आप धारा 370 नहीं हटा पाए, आप तो कश्मीर पाकिस्तान को दे रहे थे, हमने हटा दिया, प्रशंसा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सारा भारत आतंक के छाये में था, हमने आतंक समाप्त कर दिया, दंगे समाप्त कर दिए, प्रशंसा करनी चाहिए? आप एक सड़क नहीं दे पाए हिंदुस्तान में, हमने सड़कों का विकास का जाल बिछा दिया एनएच का, प्रशंसा करनी चाहिए ना? तो अच्छी चीज की प्रशंसा करनी चाहिए। प्रेक्षक शालीनता से आग्रह करना चाहते हैं, कोई कमी है हमारे अंदर, हमारी सरकार के अंदर, मोदी के अंदर, उसकी आप आलोचना करिए, ये विपक्ष का कर्तव्य होता है, करना भी चाहिए। सारा हिंदुस्तान मोदी 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 चिल्ला रहा है, विकास चिल्ला रहा है, उसके बाद अगर कांग्रेस कोई विकास कोई मुद्दे नौ प्रश्न खड़े करना चाहती है, 9 का 900 करे, लेकिन जनता है सब जानती है, तो 9 साल पर नहीं, 2024 में विपक्ष को ही मुद्दे लेके जनता के सामने जाना चाहिए, फिर जनता तय करेगी कौन सही है कौन गलत है। पर आज मैं आत्मविश्वास के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, माननीय मोदी जी विकास पुरुष है, भारत के भाग्य विधाता हैं, सारे विश्व में उनका डंका बज रहा है, आने वाले 2024 में विपक्ष कहीं नहीं दिखाई देगा, 350 सीटों से अधिक सीटें लेकर के मोदी जी केंद्र में जाएंगे, सरकार बनाएंगे और विपक्ष ऐसे ही देखता रह जाएगा।